हो तो आपको दो पॉइंट याद रखना, जो चीज आपको पूछ रहा हूं वो सिंपलीफाई कैसे कर सकते हो। जो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स के बराबर सेवन था, आपने क्या देखा, ये कैसे बना सकते हो। आपने देखा यार अगर मैं इसको स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में स्क्वायर बनाना चाहता हूं तो मैं सीधा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर दूंगा तो ये कंडीशन बन जाएगा, हमने इसके बराबर कर दिया। ये इतनी नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आप क्लास नाइन्थ में हो और खास करके आप एनुअल एग्जाम देने वाले हो, मेरे भाई अगर मिड टर्म में मैथ्स में आपके कम नंबर आए हैं तो मेरे भाई इस वीडियो को कंप्लीट एक बार देख के और इन क्वेश्चंस को दो से तीन बार प्रैक्टिस कर लेना, 110% आपके पेपर में दिखेंगे। लास्ट प्रीवियस पेपर उठाकर देख लो मेरे भाई, ये एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर है और प्रीवियस में कतई बार पेपर आया हुआ है, तो मेरे भाई टेंशन ना लो, बस कंप्लीट अगर मिड टर्म में कम नंबर आए हैं तो भाई इस वीडियो को बस कंप्लीट रामबाण समझो और खास करके इस क्वेश्चन को, पॉलिनोमियल के ये क्वेश्चन 110% पेपर में आता है। आप चाहे कहीं पर भी इस चीज को देख लेना, ये प्रीवियस उठा के चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो हर स्कूल में 110% आता है। तो इसके अंदर में थोड़ा सा कंसेप्ट है जो बच्चों को हिला देता है, बट आपको टेंशन मत लेना, आज तक जितने भी क्वेश्चंस किए ना आप लोगों ने वो पेपर में आएंगे 110%। मिड टर्म में तो आपको पता ही है डंका बजा है और डंका बजेगा, बस फाइनल में भी अगर आप चाहते हो शिद्दत से मिड टर्म वाली प्रिपरेशन हो तो जो जो बता रहा हूं आप दिल दिमाग में समझते जाओ। और मेरे भाई खास करके अगर नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना, बस उसके आगे टेंशन छोड़ देना, क्लास नाइन्थ के लिए आपके पास अभी तक के YT का सबसे बेस्ट कॉन्टेंट होगा मेरे भाई। बस आपके सामने करना क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां से एक पॉइंट फोकस रखना है कि जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जहां पे आपके सामने क्या है, क्वेश्चन दिया है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सेवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का क्यूब प्लस वन अपॉन में एक्स का क्यूब। मेरे बच्चे ध्यान सुनना, कहां पे बच्चे सबसे ज्यादा एकदम एक्साइटमेंट में पागल हो जाते हैं कि मेरे भाई ये एक्स का क्यूब प्लस वन अपॉन में एक्स का क्यूब ये तो मैं तुरंत ही निकाल दूंगा, एक दो क्वेश्चन करके रखते हैं फॉर्मुला लगा देते हैं, बट क्वेश्चन कहां पे गेम बदल देता है, एक्स स्क्वायर कह रहा है ना कि सिंपल एक्स है, गेम कहां बन रहा है, यहां पे x स्क्वायर दे दिया है, यहां पे x का क्यूब पूछ रहा है, बस थोड़ा सा हो गया मामला खराब, बट टेंशन मत लो, अभी इसका सटीक सा आंसर है जो प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है, नहीं देखे हो प्लेलिस्ट में जाओ, पॉलिनोमियल के एक एक क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होगा। मेरे भाई जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो आपको एक ही फंडा अपनाना है कि मेरे भाई ये आपके पास क्या है, x का क्यूब प्लस वन अपॉन में x का क्यूब, क्या बोला मैंने, x का क्यूब प्लस वन अपॉन में x का क्यूब, ये कैसे ला सकते हो। अगर मैं एक बात बताऊं आपको, अगर मेरे पास सिंपल ये x होता, ये 1 अपॉन में x होता, अगर मैं इसका होल क्यूब लगा देता तो क्या मेरे पास ये कंडीशन नहीं बन जाता जो मैंने आपको पार्ट टू में बताया था, इससे पहले वाले क्या बोला मैंने कि x क्यूब प्लस वन अपॉन में एक्स क्यूब निकालना है, बट हमने सपोज करो कुछ नहीं है, मेरे पास एक्स होता प्लस वन अपॉन में एक्स होता, मैं अगर होल क्यूब कर देता तो ये आंसर निकल आता, ये सेगमेंट बन जाता। उसी तरीके से किसी भी कंडीशन में एक्स स्क्वायर को ब्रेक करके हमें सिंपल एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स बनाना है, वो देखो कैसे बनते हैं, ध्यान से सुनते जाओ, अभी सारा चीज सटीक कर दूंगा, सारा सर चीज बस अच्छे से चीजों को समझो, क्योंकि भाई ये वन ऑफ द बेस्ट एंड बेस्ट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। मेरे भाई ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में ये एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब बताओ ये चीज कैसे आया, ये चीज कैसे आ सकता है, मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रहा है कि ये चीज जो है ना, ये चीज मैं एक कंडीशन से ला सकता हूं, किस तरीके से, अगर मैं एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर कर दूं तो ये चीज मेरा बन सकता है जिसकी वैल्यू गिवन है। देखो क्या होगा, ये ए स्क्वायर हो गया प्लस में यहाँ पे बी स्क्वायर, क्योंकि इस बार इसको ए मानो और इसको बी मानो, आइडेंटिटीज लगा रहे हो तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 2ab, ये रह गया और यहाँ पे ये हो गया, समझ के बात को, इतना कंडीशन याद रखो मेरे भाई। साथ में क्या था आपके साथ, कुछ नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझो ध्यान से। इसके बाद क्या हुआ, ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ध्यान से सुनते जाना, ये जो वेरिएबल था ये कंडीशन मैं कैसे बना सकता था, इसका सीधा देखा, इसको ना इसको मैं यहाँ पे होल स्क्वायर कर दूंगा तो मेरा ये कंडीशन बन जाएगा, ये कंडीशन को मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दूंगा, जो कि आपको यहाँ पे आइडेंटिटीज पता है, शुरुआत क्लास में देख लो मैंने सारी चीजें बता दिया है, 2ab, ठीक है, समझ गए, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब मैं यहां पे एक चीज देख रहा हूं, ये जो है इतना, ये इतना किसके बराबर दिया हुआ है, आपके सामने पॉइंट दिख रहा है, ये जो है आपके सामने, ये जो है यहां पे क्या वैल्यू दे रखा है, 7, तो आपको क्या करना है, यहां पे पुट करना है, क्या मेरे भाई, यहां पे इस पूरे की जगह पे क्या पुट करना है, 7, क्या पुट करना है, 7, अब प्लस में यहां पे क्या है, ये है आपके पास 2, तो टोटल ये कितना हो गया, 9, क्या हो गया, 9,
ध्यान से सुनते जाना, मतलब कि x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर हमने किया तो कितना आ गया 9। अब आगे देखो दो चीज बताता हूँ मैजिक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया एक से दो बार तो भाई आप बहुत अच्छे अटेम्प्ट ले सकते हो। अब कंडीशन देखो यहाँ पे x प्लस वन अपॉन में x इसका होल स्क्वायर है, जब हमने इसे ब्रेक किया इतने की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 7 और 2 इसका बचा हुआ है, ये हो गया यहाँ पे 9। अब हमें कंडीशन समझ आ रही है, क्या हो गया यहाँ पे 9। अब एक कंडीशन देखो यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे 9 है, तो क्या आप इस तरीके का कंडीशन बना सकते हो कि ये था x प्लस में 1 अपॉन में x का स्क्वायर, ठीक है भाई, और 9 कितने का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो वहाँ पे मामला खराब हो जाएगा। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया हमारे पास x प्लस 1 अपॉन में x इक्वल्स टू कितना हो गया भाई ये 3, और हमें क्या निकालना था x क्यूब प्लस में 1 अपॉन में x का क्यूब। अब नहीं निकाल सकते क्या, हम आराम से निकाल सकते हैं, कैसे मेरे भाई, हमें सब कुछ यहाँ पे मिल गया। अब देखो मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन में x का होल क्यूब जो आपको पार्ट टू में लगाना था, ये रहा आपका x क्यूब प्लस में यहाँ पे 1 अपॉन होल x का क्यूब, यहाँ पे प्लस 3 यहाँ पे x, और ये था आपके पास y, ये रहा अब ब्रैकेट में x प्लस में 1 अपॉन में y, मतलब कि आप इसे x मानो y मानो क्योंकि अलग अलग सेगमेंट है, यहाँ से x x कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखो x का क्यूब निकालना है हमें, ध्यान सुनना, ये x क्यूब प्लस में 1 अपॉन में x क्यूब ये दे दिया हमें। अब देखो इतने का तो सिनेरियो हमें पता नहीं है, लेकिन आपके सामने ये तो दिया है ना, वह x प्लस 1 अपॉन में x कितना आया है, ये 3 आया है, कितना भाई 3, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 3 का क्यूब, समझे, ये हो गया प्लस में 3, और यहां पे ये कितना दे दिया x प्लस का, ये ऑलरेडी यहां पे 3 आ गया है, ये हो गया 27 बराबर में x क्यूब प्लस 1 अपॉन में ये x क्यूब, यहां पे 3 जा हो गया 9, समझे मेरे भाई, इस तरीके का क्वेश्चन बनता है और ये हलवे से क्वेश्चन होते हैं। ये आपके पास 27, इसको इधर माइनस कर लो कितना हो गया x क्यूब प्लस 1 अपॉन में x क्यूब, 27 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, बच जाएगा इधर 9 मतलब 27, तो 10 हो जाओ 17 में से 9 हो गया तो ये बन गया 8 1, मतलब कि x क्यूब प्लस 1 अपॉन में x का क्यूब, ये भी क्यूब लगाओ मेरे भाई, ये आपके सामने कितना आंसर आ गया, ये हो गया आपके पास 18, समझे क्या था, कुछ नहीं था, ध्यान सुनो आपके सामने दो काम करना था, करना क्या था, अब छोटा करता हूं इसको, ध्यान से सुनो करना क्या है, आपके सामने जब भी कंडीशन इस तरह का दे रखा हो तो आपको दो पॉइंट याद रखना, जो चीज आपको पूछ रहा हूं वो सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स के बराबर 7 था आपने क्या देखा, ये कैसे बना सकते हो, आपने देखा यार अगर मैं इसको स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में स्क्वायर बनाना चाहता हूँ तो मैं सीधा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर दूंगा तो ये कंडीशन बन जाएगा, हमने इसके बराबर कर दिया, ये इतने का वैल्यू क्या दे रखा था 7 दे रखा था, यहाँ से 2 बचा, यहाँ 9 आ गया, ये 9 आ गया तो इसके बराबर 9 आया, जब ये 9 आ गया मेरे भाई तो असली खेल कहाँ पे बाकी था, असली खेल यहाँ पे था जो हम 9 बनाए और 9 को हमने क्या करा यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखा, 9 को 3 का स्क्वायर लिखा और इस स्क्वायर से इसको कट कर दिया, यही सबसे बड़ा खेल था। इस क्वेश्चन के अंदर में 4 नंबर पूरे हैं आपके, समझो 110% 4 नंबर पूरे हैं, तो ये 9 था, ये रखा स्क्वायर काट दिया, x प्लस 1 अपॉन x के बराबर कितने आ गई 3 आ गई, अब कोई दिक्कत नहीं, अब क्यूब पूछे 4 पूछे 10 पूछे कोई दिक्कत नहीं, सब बना दोगे मेरे भाई, समझे, तो यहां पे जब ये कंडीशन आ जाती है तो अब क्या करना रह गया था, हमें क्या करने को रह गया था, दो ही चीज कि भैया ऐसा है किसी भी कंडीशन में हम आंसर को फोड़ सकते हैं, ये रहा यहां पे हमने क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, ये रह गया यहां से कैंसिल, इसकी वैल्यू हमें 3 दे रखा था, ये 3 यहां बचा, इसके जगह हमें ये निकालना ही था, कोई दिक्कत नहीं, ये क्यूब हमें इतना वैल्यू पता था तो ये 27 करते ये इधर करके यहां पे फाइनल आंसर क्या करा, हमने यहां पे फाइनल आंसर लाके रख दिया। अब बताओ रिवीजन भी करवा दिया, इससे इजी कुछ हो सकता है क्या, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने की जरूरत है, अगर मेरे भाई इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं किए हो तो भाई डेफिनेटली कर लो, और खास करके जो मिड टर्म में मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं इंपॉर्टेंट वो आप कर लो, क्योंकि इस बार 30% वो भी आएंगे तो मेरे भाई आपके मैथ्स में 110% पास हो जाओगे। अगर पॉलिनोमियल के चैप्टर में या 9th में पास होना चाहते हो टर्म 2 के अंदर में तो इस तरह के क्वेश्चंस एक बार नहीं कम से कम 4 बार करना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं पे आपको मिलेगा नहीं, तो बस इसलिए मैं आपको कंसेप्ट के साथ करवा रहा हूँ, जिसके मिड टर्म में कम नंबर आए आप इजी तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। अगर आप सीरियस हो तो भाई आप जरूर करना, नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्लास 10th में भी डंका बजा देंगे, बस मेरे भाई अच्छा लगाओ लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और नेक्स्ट कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन चाहिए वो मुझे कॉमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।